हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मिस्टर बावर। सो आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूँ। आज मैं आपके लिए एडमिशन्स लेकर आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड साइंस, जिसको हम कहते हैं UVS। सही है। तो इसमें पहले मैं आपको बता दूँ, ये ओपन मेरिट पे है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगी, नो एंट्री टेस्ट। मैंने पहले ही आपको थंबल में लिखा हुआ है। सही है, इसमें कोई आपको टेस्ट नहीं देनी होगी। तो इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, जैसे आप लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला आपके सामने स्टक हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो अकाउंट है आपको वो बनाना है। ओके, तो आपके क्या करेंगे, साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही है, जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका जो पेज है आपके सामने अपना हो जाएगा, साइन अप वाला। सही है, तो ये अपना ये देखिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे शो हो रहा है कि नेम ऑफ एप्लीकेंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका नाम लिखना है। वो नाम लिखना है आपका जो जो मैट्रिक की जो मार्कशीट है आपको वहाँ पे लिखा हो। तो फर्स्ट पर मैंने यहाँ पे लिख लिया कि अहमद खान। सही, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि CNIC नंबर आपको लिखना है, विथ डैशेस के साथ लिखना है। सही, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे CNIC नंबर लिख लिया अपना। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डैशेस के साथ ही लिखूँगा। ओके, तो आपको इस तरीके से लिखना है CNIC नंबर। सही है, ओके। उसके बाद यहाँ पे नीचे शो रहा है कि कन्फर्म CNIC नंबर। आपको क्या करना है, जो आपका जो CNIC नंबर है जो आपने ऊपर लिखा, आप क्या करेंगे, सेम यहाँ पे नीचे भी लिखेंगे। सही है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आपको क्या करनी है, आपकी जो ईमेल एड्रेस है आपको वो लिखते नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि ईमेल एड्रेस आपने क्या करनी है, दोबारा आपकी जो ईमेल एड्रेस है आपको वो लिखते नहीं है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सही है, सॉरी, यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख ली। योर पासवर्ड, आपको क्या करना है, आपका जो पासवर्ड है आपको वो लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, आप पहले ये वाला निशान लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे अपना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसको हम कहते हैं। सेम पासवर्ड आप क्या करेंगे, नीचे भी लिखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे नीचे भी लिख लूँगा। तो मैं दोबारा सेम पासवर्ड नीचे भी लिखूँगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कैप्चा वाला आपको कोड बनाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वन लिखेंगे जो नीचे शो हो रहा है, Q9W9। उसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सही, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका जो अकाउंट है वो सब बन चुका है। अब आपने क्या करना है, आप जो ईमेल है आपको वो लिखते नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इंटेक कैप्चा कोड, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कैप्चा कोड है आपको वो लिखना है, 6C9 सही V1। आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपनी जो जीमेल है आप उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही है, ये देखें, जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी इसकी जो जीमेल है आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन दे देनी है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो आपकी हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अगेन यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखेंगे, कैप्चा वाला कोड लिखेंगे। सही है, ये देखें, 15F7G9। उसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो अकाउंट है वो बन चुका है। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल आपको स्टडी कर देनी है, रीड कर देनी है। सही, आप क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। सही, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, इसके कुछ स्टेप हैं। सही, ओके, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आपको वो फॉलो कर देना है मुझे। सही, यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप इमेजेस, आपको क्या करेंगे, यहाँ पे शो हो रहा है कि इमेज, आप क्या करेंगे, इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। सही, तो आप जैसे इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या करनी है, आपको जो इमेज है आपको वो अपलोड कर देनी है। यहाँ पे कह रहा है कि गाइडलाइंस टू रिड्यूस द इमेज, आपको क्या करनी है, आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है किसकी आपकी, आपको वो अपलोड कर देनी है। तो जैसे ही आपने जो यहाँ पे तस्वीर अपलोड की तो यहाँ पे अपलोड क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे शो हो रहा है कि सेव एंड नेक्स्ट, आपने क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसकी जो सेकंड स्टेप है वो आपके सामने हो जाएगा। ओके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। यहाँ पे कह रहे हैं डेट ऑफ बर्थ आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख देनी है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कर ली 2000 पूरा। सही, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है मैंने यहाँ पे वो लिख ली। ओके, उसके बाद जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं
उसके बाद शो हो रहा है कि मार्शल स्टेटस आपको लिखना है कि आप मेरिड हैं या सिंगल हैं। सही है, अगर आप अनमेरिड हैं तो आप क्या करेंगे, अनमेरिड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप मेरिड हैं तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। से ब्लड ग्रुप आपको लिखना है, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, बी पॉजिटिव हमेशा मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। प्रोविंस लिखना है आपका, आपका जो प्रोविंस है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा है प्रोविंस सेंध, मैंने सेंध के ऊपर क्लिक कर दिया। आपका जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे वो लिख देना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया। कोई मसला वगैरह हो जाता है तो आपको वो नंबर यहाँ पे लिख देना है। सही, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया। ओके, फादर का जो आपके जो फादर है आपका उसका नाम लिखेंगे, फादर प्रोफेशन आपके जो फादर हैं वो क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो फादर है वो टीचर है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे टीचर लिखूँगा। फादर की जो ईमेल है आप क्या करेंगे वो लिखेंगे सिंपली। सही है, तो मैंने यहाँ पे ईमेल लिख दी। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है, आप अभी कहाँ पे रह रहे हैं, आपको वो एड्रेस इन्फॉर्मेशन दे देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिख दी सचल, पोस्टल कोड। अब जो पोस्टल कोड होता है जहाँ पे आप रहते हैं ना शहर में, आप गूगल पे जाके वहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ द पोस्टल कोड ऑफ सचल, तो 5 डिजिट का कोड आपके सामने हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपना जो पोस्टल कोड है वो मैंने लिख दिया। अगर सेम इन्फॉर्मेशन परमानेंट एड्रेस में भी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे शो हो रहा है कि ये देखें, सही ये वाला मैंने साइट फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ईमेल एड्रेस लिखना है, जेंडर लिखना है, आप मेल हैं फीमेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेल हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो कौन सी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिख दिया मोल ऑन फेस। सही है, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं डोमिसाइल, डोमिसाइल आपको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हैदराबाद का, मैंने कराची का, मैंने कराची लिख लिया। यहाँ पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है आपकी जो पहचान है वो कौन सी है, कोई फेस वगैरह पे कोई निशान वगैरह आपको वो लिख देना है। सही, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं मोबाइल नंबर अगर आपको लिखना है तो सही, अदरवाइज नहीं करेंगे तो यहाँ पे रेड रिस्पॉन्डिंग शो हो रहा है। सही, कोई मसला नहीं है। फादर का जो सीन एसी नंबर है आपको वो लिख देना है। सही है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया। सही है, ओके। उसके बाद आप फादर आपके अलाइव हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो डिजीज के ऊपर क्लिक करेंगे। फादर की इनकम कितनी है आपको वो लिख देनी है। सही है, फर्स्ट मैंने लिख लिया। फादर का जो मोबाइल नंबर है आपको वो लिख देना है। सही है, उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो सिटी है आपको वो लिख देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो सिटी है मैंने कराची लिख लिया सिटी। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो सिटी है आपको सेम वो लिख देना है। सही, ओके। जैसे ही आप उसको ये वाला स्टेप कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है कि सेव एंड नेक्स्ट, आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही, ओके। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो सेकंड स्टेप है आपके सामने शो हो रहा है कि जनरल इन्फॉर्मेशन वाला। सही, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि इन योर एरिया इंटरनेट, आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करेंगे। क्या आपने वैक्सीन कराया हुआ है, अगर आपने कराया हुआ है तो आप क्या करें, फुल वैक्सीनेटेड के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं कराया तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे शो हो रहा है कि सेवन नेक्स्ट, आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही, ओके। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। सही, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शो हो रहा है कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आपकी जो तैलीम है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देते नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले आपको मैट्रिक इन्फॉर्मेशन दे देनी है, आपने मैट्रिक किस में किया है, आप साइंस में किए, ओ लेवल के स्टूडेंट हैं या अदर, आपको वो लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ, मैंने की हुई है मैट्रिक साइंस में, आपने मैट्रिक कब किए तो आपको वो लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2019 में मैंने वो लिख दिया। सही, कितनी मार्क्स आपने ऑबटेन की, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑबटेन की थी 800, टोटल मार्क्स कितनी थी मैंने वो लिख देना है। बोर्ड कौन सा था आपका, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोर्ड क्रच कर लिया। सही, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि मैट्रिक का जो रोल नंबर है आपको वो लिख देना है। सही है, तो मैंने वहाँ पर रोल नंबर लिख लिया। उसके बाद टोटल मार्क्स कितनी है आपकी मैट्रिक में, तो मैंने 850 कर दी। सही, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं नंबर ऑफ अटैम्प्ट, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट के ऊपर 1 कर देना है। सही, आपने कभी दानिश स्कूल में स्टडी किया तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नीचे आ जाएंगे। सही, इसमें क्या करना है, आपकी जो फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन है आपको वो दे देनी है। सही, या फिर अगर आपने इंटर किया हो तो आप इंटर की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ओके, तो इसमें क्या करना है, आपकी जो फर्स्ट ईयर की जो इन्फॉर्मेशन है आपको वो दे देनी है, मतलब FSC पार्ट 1 की सेम जो मैंने आपको ऊपर बताया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ओके, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ कि मार्क्स ऑब्टेन, रीटर्न मार्क्स ऑब्टेन, आपको वो सेम लिखना है। मैट्रिक का जो रोल नंबर है वो लिख देना है, सेम स्टेप मैंने आपको बताया। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है कि सिलेक्ट कोटा, आपको क्या क्या करना है, आप
कोटा से पैसे कर देना है। फॉर सपोज आप ओपन मेरिट के ऊपर जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कह रहा है कि डू यू वांट टू अवेल हॉस्टल, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही है, देखें उसके बाद आप क्या करेंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे शो हो रहा है कि स्पोर्ट डिसेबल इन्फॉर्मेशन, डू यू वांट टू अप्लाई स्पोर्ट्स, आप क्या आप मॉर्निंग ओनली, इनकेस आप एडमिशन, अगर आप मतलब गेम वगैरह के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते आप सिंपली यहाँ पे शो हो रहा है कि सेवन एक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो सही है, ओके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डू यू वांट टू अन किरात को, फॉर सपोज आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं नॉर्थ के लिए तो आप करना चाहते हैं आप करेंगे, वरना अदरवाइज आप नेक्स्ट सिस्टम में चले जाएंगे। सही है, ये देखें जैसे ही आप इसको कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करना है आप नीचे आ जाएंगे, ये देखें उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि एडमिशन इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है। सही है, ये देखें शो हो रहा है कि एडमिशन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है कि चूज़ इवनिंग डिग्री, यहाँ पे कह रहे हैं चूज़ मॉर्निंग डिग्री, आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मॉर्निंग में अप्लाई करना चाहते हैं आप क्या करेंगे मॉर्निंग में अप्लाई करेंगे यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम में लिख लेंगे। सही, ओके। यहाँ पे कह रहे हैं कि एडमिशन इन्फॉर्मेशन चूज़ इवनिंग, अगर फॉर सपोज आप अप्लाई करना चाहते हैं किस में इवनिंग में तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इवनिंग लिखेंगे। सही, तो अगर आप फॉर सपोज आप मॉर्निंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जस्ट मॉर्निंग के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। सही है, ये देखें तो मैंने क्या किया है यहाँ पे मैंने मॉर्निंग पे क्लिक कर दिया है। सही, ओके। यहाँ पे कह रहे हैं एड चॉइस, आप क्या करेंगे एड चॉइस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही, जैसे ही आप इसके ऊपर आपने क्लिक किया ये देखें आपके सामने शो हो रहा है। सही है, ओके। तो मैंने क्या किया यहाँ पे ऊपर जो मॉर्निंग वाला ऑप्शन है मैंने वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है तो मेरा जो ऑप्शन है वो ऐड हो चुका है। सही, उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे शो हो रहा है कि सेवन नेक्स्ट, तो मैं क्या करूँगा सेवन नेक्स्ट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अब आपने क्या करनी है यहाँ पे जो मैट्रिक की जो मार्कशीट है आपको वो यहाँ पे दे देनी है, यहाँ पे इंटर की इंफॉर्मेशन मार्कशीट आपको दे देनी है, रिजल्ट कार्ड भी। सही, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो वे फॉर्म है या फिर आपके जो सीनेस नंबर आपको वो तस्वीर अपलोड करके उसके बाद आप क्या करेंगे सेवन नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सबमिट क्रेडेंशियल, जैसे ही आप इसको यहाँ पे कर लेते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप UVAS में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।